हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं स्पेशल फैक्ट पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। अब किसी भी आविष्कार के पीछे कितनी मेहनत होती है जिस आविष्कारक की, जिसने उसको इन्वेंट किया है, आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि आपको लगता है जैसे कि हमारे हाथ में एक मोबाइल फ़ोन होता है, हमें लगता है कि एक मोबाइल फ़ोन होता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन के पीछे आपको ये नहीं पता कि उसने कितनी मेहनत की होगी, उस बंदे ने कितनी मेहनत की होगी। सबसे पहले हम भाई चर्चा करेंगे जैसा कि टेलीफोन। ये टेलीफोन जो होता है, टेलीफोन को बना, जब वो टेलीफोन नहीं रहा होगा, तब जैसे कि ग्राहम बेल ने अपने दोस्तों से कहा होगा कि मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जो तार लगे होंगे, एक मशीन बनाऊंगा और आप यहाँ पर होंगे। यदि हम अमेरिका, दुनिया में किसी भी कोने में हों और तार के माध्यम से हम बात कर सकते हैं और हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाएगी और उसके बाद हमारे पास तक आ जाएगी, तो क्या उसने विश्वास माना होगा? उनके दोस्त भी, रिश्तेदार सब लोग हंसे होंगे उन पर, क्या उन्होंने करके दिखाया? नहीं, यस उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि उनको दृढ़ निश्चय था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और आखिर उन्होंने कर दिखाया। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने भी एक मशीन बनाई, टेलीफोन बना के रख दिया और तार लगा दिया, जोड़ के और काम करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, एक बार में नहीं हुआ होगा। उन्होंने पता नहीं कितनी बार तारों को जोड़ा होगा, कितनी बार हटाया होगा, कब कौन सा तार किस में जोड़ा होगा, ये तो उन्हीं को पता होगा। तो उसके पीछे उनकी बहुत मेहनत होती है। हमें लगता है कि जो चीज़ें इन्वेंट हो जाती हैं तो बड़ा आसानी से क्या साइंटिस्टों ने कर दी है, बना दी है, मशीन ही तो है, लेकिन नहीं, हमें सोचना चाहिए कि जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसके पीछे उनका कितना बड़ा योगदान रहा होगा, कितनी उन्होंने मेहनत की होगी। ना जाने उन्होंने कितनी बार उसे गलत तार जोड़े होंगे और कितनी बार असफल रहे होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन हम कैसे हिम्मत हार सकते हैं? हमें कभी भी अपनी लाइफ में हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ में हमेशा कितनी भी परिस्थितियाँ क्यों नहीं बनी रहें, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमेशा समस्याओं का सामना डटकर करना चाहिए। यदि हम समस्याओं से डर के बैठ जाएंगे तो हमारी समस्या और भी अधिक बढ़ जाएंगी। लेकिन यदि हम निरंतर समस्याओं का समाधान ढूंढते रहते हैं तो हमारी बाधाएं, जो समस्याएं जो आती हैं, निरंतर कम होती चली जाएंगी। और बाधाएं भी एक दिन ये कहेंगी कि भाई मैं किसके पल्ले पड़ गई। हमारी से अगर क्षेत्रीय भाषा में कहा जाता है कि मैं किसके पल्ले पड़ गई, मतलब इसका यह तात्पर्य होता है कि मैं भी मुसीबत हुई मैं, लेकिन कहाँ और किसके पास पहुँच गई, कि वो तो मेरे से को डरता ही नहीं है। लेकिन कुछ भी फिर भी होते हैं कि मुसीबत डर के बैठ जाते हैं, तो ऐसे में डर के नहीं बैठना है। और समस्या कब तक रहेंगी? समस्या कब तक रहेंगी? 2 दिन 4 दिन साल 2 साल, उसके बाद आप निरंतर मेहनत उसी क्षेत्र में करते रहें, समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी और समस्याओं से आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और आप हमेशा पॉजिटिविटी के साथ जिए, और यही हम कहना चाहते हैं कि यदि हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो हमारी जो थिंकिंग होती है वो भी हमारी पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव थिंकिंग हमारी जब तक रहती है, हमारा स्वास्थ्य भी प्रॉपर तरीके से सही रहता है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य भी हमारे थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हमारी थिंकिंग पॉजिटिविटी है तो हमारा स्वास्थ्य भी पॉजिटिव रहता है, और यदि हम नेगेटिव चीज़ों में अगर जाने लगते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी उन्हीं नेगेटिव बातों को फॉलो करता रहता है। तो इसीलिए नेगेटिविटी कभी भी हमारे माइंड में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से हम समस्याओं से जूझते रहेंगे तो हमेशा समस्याओं में डले रहेंगे, लेकिन समस्याओं में रहने से कोई हल तो निकलने वाला नहीं है। समस्याओं से दूर रहने के लिए उनका समाधान करना पड़ेगा, उसके लिए उनको कार्य करना पड़ेगा, और बिना कार्य किए हुए कोई भी समस्याएं पीछा नहीं छोड़ सकती। यदि हम समस्याओं से डर के हम बैठ जाएंगे तो समस्या हमारे ऊपर और भी अधिक हावी हो जाएंगे, इसलिए हमें समस्याओं से कभी भी डरना नहीं चाहिए। और आज की वीडियो हमारी यहीं तक है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि हमारी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप उसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सको।